पहली बार कोई इतने उच्च स्तर का अधिकारी हमारे बीच आया है और ये हमारी अभी प्रेरणा है, हमारी महत्वाकांक्षा को साकार होने का पहला रूप है कि आज हमने एक ऐसे व्यक्ति को देखा है, माननीय श्री जिलाधीश इंदौर। सर, इसके पहले मैं कुछ छोटी सी बात है इनके विषय में, वो छोटी क्या कहें क्योंकि हमारे पास शब्द इतने हैं नहीं कि हम ओपी सर के विषय में कुछ बता सकें, पर जितना भी है वो मैं आपको बहुत छोटे शब्दों में बताना चाहूंगा कि पिछले 365 दिन हम लोगों को आते हुए हो गए और पिछले 10 वर्षों से यहाँ से लगभग 8,000 लोगों का सिलेक्शन हो चुका है जो अलग अलग पदों पर लगभग 250 डीएसपी, लगभग 2,500 के आसपास सब इंस्पेक्टर और लगभग 7,500 कॉन्स्टेबल्स यहाँ से चयनित हो चुके हैं। सर की सबसे बड़ी विशेषता है कि आज तक इन्होंने किसी से एक रुपए की डिमांड नहीं की। इवन यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है और खाने के लिए खाना नहीं है, उसके अलावा जूते, और इनमें से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी किट निःशुल्क रूप से इन्हीं के द्वारा प्रदान की जाती है। 365 दिन में हो सकता है कभी हम लोगों ने गैफ कर दिया हो सर, लेकिन इस व्यक्ति ने कभी भी एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। हम लोग कभी कभी शादियों में या कभी पार्टियों में जाते हैं, अगर 12 1 बज जाए तो हम अगली सुबह आ नहीं पाते। इनकी कई बार ड्यूटी होती है 12 से 6 और 6:30 बजे ये ग्राउंड पे होते हैं। इसके अलावा सर इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है, इंदौर के द्रोणाचार्य हैं ही ये, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों के लिए भगवान तो नहीं लेकिन भगवान से कम भी नहीं है सर। क्योंकि सिर्फ शैक्षणिक योग्यता के अलावा अगर हमें कहीं भी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जाना होता है तो हमें 40,000-45,000 देने होते हैं, वो चीज हमें पूरी तरह से निस्वार्थ और निःशुल्क मिल रही है। इसके अलावा जो ऐसे बच्चे हैं जिनके पास इतनी औपचारिकताएं नहीं है कि वो कहीं पे अध्ययन कर पाए, तो सर के माध्यम से बहुत सारी कोचिंग्स हैं जहां पे इनका नाम ले लेने बस से फीस तक डिमांड नहीं की जाती सर। और जो सबसे बड़ी बात है सर, वो अभी भी एट द एज ऑफ 52 एक एथलीट है। पिछले साल एक नेशनल एथलीट मीट हुई थी जिसमें 51 ईयर की एज में इन्होंने गोल्डन बुक ऑफ लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। तो सर 42 किलोमीटर की मैराथन थी, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है किसी भी युवा के लिए। एट द एज ऑफ 52 अगर कोई ये करता है तो उसके लिए क्या क्या कहें, शब्दों की कमी तो है ही। और सर जो सबसे पहली बधाई है मुझे पहले ही देनी चाहिए, पर उसके लिए क्षमा चाहूंगा मैं, कि आपको भी बधाई देता हूं कि इंदौर की हैट्रिक लग गई है। और दूसरी बधाई देता हूं सर, हाल ही में यहां पे क्राउड तो लगभग आधा भी नहीं बचा, लगभग 500 बच्चे चले गए हैं पिछले 3-4 दिनों के पहले ही। जेल प्रहरी में यहां से लगभग 480 बच्चे गए जिनमें से लगभग 465 बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं जिनका फिजिकल निकल चुका है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं, बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जो इनके द्वारा चलती हैं, चाहे कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या कोई भी ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम, कोई भी आज तक इंदौर का इतना बड़ा अधिकारी हमारे पास कभी नहीं आया। तो सबसे बड़ी जो हमें द्रवीभूत करने की अभिप्रेरणा आपने हमें दी है और आपने यहाँ के जो हमें अभिमंत्रित किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूरे ओपी ग्रुप से, ओपी सर की तरफ से, ओपी सर के सहयोगी सेवा सर हैं, राज सर हैं, संजीव सर हैं, मैं हूं और राकेश सर हैं, इन सभी की ओर से और पूरे ग्रुप की ओर से सर हम आपको हृदय तल से आभार व्यक्त करते हैं। और हम सब की ये हार्दिक इच्छा है कि आपके कुछ ऐसे शब्द जो हमें अभिमंत्रित करें, हमें अभिप्रेरित करें, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने, वो हमारे स्मृति पटल पर अंकित हो जाए सर, कुछ शब्द हमारे लिए प्लीज सर। थैंक यू। जब आपके द्रोणाचार्य बगल में खड़े हो तो मुझे लगता है मुझे ज्यादा बोलने की और आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं एक चीज आपसे बस कहूँगा कि मेरी पढ़ाई एक सैनिक स्कूल में हुई है और वहाँ का रूटीन जो आप अभी जो कर रहे हैं तो आपको देख के मुझे वही सब चीजें याद आ रही थी। वहाँ पे ठंड में और गर्मी बस 15 मिनट का अंतर होता था। मतलब ये कि अगर गर्मियों का मौसम है तो हम 5:30 बजे उठते थे और ठंड का मौसम है तो 5-6 बजे उठते थे। मतलब पीटी होती थी हमारी जो शुरू होती थी, उठते तो हम लोग और पहले थे। और जब उस टाइम ये सब करते थे तो लगता था कि क्यों कर रहे हैं, क्या फ़ायदा होगा इससे, ये है वो है, तो तमाम तरह के प्रश्न आते थे। लेकिन 3-4 साल बाद जब स्कूल से निकले कॉलेज में आए तब लगता था कि नहीं, स्कूल में जो हमें बताया जाता था, सिखाया जाता था, जो करवाया जाता था, जो हम कई बार अनबने तरीके से करते थे, वो आगे जाके हमारे जीवन में बहुत काम आता है, उसका बहुत फायदा होता है। इसीलिए अब आप तो अपनी पढ़ाई ऑलमोस्ट पूरी कर चुके हैं, कुछ लोग अभी कर रहे होंगे,
लेकिन आपके पास बच्चों बहुत अच्छा ये अवसर है कि आपको जसवाल साहब जैसे व्यक्ति को पहचानने का, देखने का और सीखने का अवसर मिल रहा है, जिनके सिर्फ खड़े रहने से यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको एक अलग से ऊर्जा मिलती होगी। और पिछले इतने सालों का आप रिकॉर्ड देख लीजिए, कितने बड़ी संख्या में बच्चे, 7000 बच्चे आप खुद बता रहे हैं, जो ऑलरेडी अपने आपकी तरह यहाँ पे खड़े होते थे, मेहनत करते थे, और आज उनके उन बच्चों को एक अच्छी नौकरी मिल गई है। मेरा आप सबसे अभी से एक ही कहना है कि अपने आप पर विश्वास रखिए, आपको जो सिखाया जा रहा है यहाँ पे पूरा मन लगा के, पूरा ध्यान लगा के उसको सीखिए, और उसको प्रश्न मत करिए ये इसका क्या फायदा होगा, क्यों हो रहा है, ये किसी और ने हमें ऐसा बताया है। जब आप यहाँ पर आ गए हैं, आपकी टीम जो जसवाल साहब के नेतृत्व में काम कर रही है, जब वो पूरे समर्पण की भावना से आपके लिए काम कर रही है, तो आपको उससे ज्यादा समर्पित होके यहाँ पे सुने, देखें और सीखें, और ईमानदारी से काम करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, आप सभी का भविष्य सुनहरा है। शुभकामनाएं, मेहनत करिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सर, पिछले 10 वर्षों से जो हमारी सबसे बड़ी समस्या थी, हमें कोई भी एक स्थायी ग्राउंड नहीं मिल रहा था, उस समस्या का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक छोटी सी और समस्या है सर, यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स आती हैं, लगभग 150 या 200 के आसपास रेगुलर ही रहती हैं। जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है ये है इनके चेंजिंग रूम को लेकर के, क्योंकि ये कई बार सर यहाँ पे छोटे छोटे जो गेट्स बने हुए हैं, यहाँ दीवार की ओट में जाके ये लोग चेंज किया करती हैं। हालांकि आपने हमें अनुमोदित कर दिया है और पहले ही हमें ये आप दे चुके हैं एक रूम, लेकिन सर यहाँ पर 7 रूम हैं जो खाली हैं, ऐसा हमने पता किया तो हमें बताया गया, उनमें से वो काम आते हैं खिलाड़ियों के जो यहाँ पे गेम्स चलते हैं उनके लिए। तो सर हमें बिल्कुल उन खिलाड़ियों से कोई दिक्कत नहीं है, और बल्कि हम अपेक्षा करते हैं कि जब भी वो आए तो बिल्कुल उनके लिए वो उपलब्ध रहे ही, लेकिन सर जब भी यहाँ गेम नहीं चल रहे होते तो कुछ देर के लिए, जब तक वो नहीं है, जब वो आएंगे तो हम रूम्स खाली कर दिया करेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है सर, तब तक के लिए अगर वो रूम हमें अवेलेबल हो सके। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पिछले 10 साल की जो सबसे बड़ी समस्या थी हमारी, उसका स्थायी निराकरण करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, हमारी एक विशेषता है कि जब हम किसी को यहाँ से विदा करते हैं तो एक जय घोष लगता है हमारा, और वो जय घोष पूरी तरह से गूंजित कर देता है स्टेडियम को। तो आप सबका सहयोग चाहिए मुझे, ठीक है? तैयार है ना आप लोग? फिर सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।